तो हेलो दोस्तों, तो भाई मैं गया था लाल किले परसों और मैं पतंगे लेके आया हूँ। देखो वहाँ से कितनी सारी ये सारी पतंगे हैं और ये सद्दी वद्दी सब लेके आया हूँ मैं। बहुत सारी चीजें पड़ी है यहाँ पे, आपको सब कुछ एक एक करके मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे तो मेरी बनी हुई पतंगे रखी है, ये तो पुरानी है और मैं आपको इनमें सबको दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा सबके रेट वेट साइज वाइज सब कुछ दिखाने वाला हूँ और डिजाइन भी दिखाऊंगा। कितने बढ़िया बढ़िया डिजाइन लेके आया हूँ मैं और बलून वलून भी कुछ लेके आया हूँ मैं। इनको मैं नहीं, जब पतंग उड़ाऊंगा तो उसमें बांधूंगा और ट्राई करेंगे गैस वाले। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ पतंग, ये वाली पतंग है, ये देखो अभी ऐसे देख लो और मैं अभी आपको डिटेल विटेल में सब कुछ बताता हूँ। ये वाली है, ये है, इनमें सब में अलग अलग डिजाइन है। और ये वाली देखो, ये वाली कितनी ज़्यादा बढ़िया पतंग है, स्टार की सी, ये देखो उड़ते हुए बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। और ये है, और ये वाली है, और ये अलग अलग डिज़ाइन के, और ये आदमी वाली पतंग है, और ये सद्दी लेके आया था, ये देख लो भाई ये वाली सद्दी है। और चलो मैं आपके इनको रेट भी बताता हूँ। ये ब्लैक ईगल की सद्दी है भाई, फोर कोर की सद्दी है ये। तो दोस्तों देखो भाई, ये फोर कोर सद्दी है और देख लो ब्लैक ईगल सद्दी है ये। 300 रुपये इस पर MRP लिख रही है और आधा किलो का है ये भाई। और मेरे को ये पड़ी थी 250 रुपीज़ की। और भाई अब यूज़ करके पता चलेगा कैसी है। मैंने पहले ये वाली यूज़ नहीं करी, मैंने वर्धमान का बस वही वाला छोटा वाला गिट्टा यूज़ करा है। और ये मैं लेके आया हूँ और देखते हैं ये कैसी हुई। कॉटन सद्दी है ये, ठीक है, और इसको उड़ा उड़ा के देखेंगे। और ये 250 का पड़ा था मेरे को। और आ जाओ और चीज़ें भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये बलून लेके आया था मैं, ये मेरे को 50 रुपये का पड़ा था और इसमें 50 ही बलून है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा था, ठीक है। ये वाली पतंगें दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये है मंजोली साइज़ है ना दोस्तों, ये पड़ी थी 5 रुपये की एक पतंग मेरे को। ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों डिज़ाइन देख लो भाई कितने सारे हैं इसमें, इसमें और भी इधर पड़े हैं, ठीक है। और दोस्तों ये पतंगें लेके आया था, ये शायद ये 5 की थी शायद, या तो 6 की थी ये वाली पतंग है ना। और ये कुछ कुछ ऐसे डिज़ाइन है इनमें, ठीक है। और ये वाली पतंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये पड़ी थी 10 रुपये की। मैंने एक वीडियो में देखा था दोस्तों, ये वाली पतंग बहुत ज़्यादा महंगी थी मगर मेरे को वहाँ से ये सही रेट में पड़ गई, 10 रुपये की एक पड़ गई है। और देखो इसे आगे आगे दिखाओ, इसमें तीन तीन तिल्ले लग रहे हैं, ये देखो तीन पतंगे, एक पतंग एरी, एक पतंग एरी, एक पतंग एरी, तीन पतंगे इसके अंदर। और डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा बढ़िया है इसका, उड़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है ये वाली पतंग, और चार चांद लगा देगी ये, ठीक है दोस्तों। उड़ा उड़ा के मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। और ये वाली पतंग देखो दोस्तों, ये कितनी ज़्यादा बढ़िया थी, ये भी लेके आया था मैं। एक ही टोम एंड जेरी वाली अच्छी लग रही थी मेरे को और एक ये वाली अच्छी लग रही थी, ये दोनों पतंगें लेके आया था। ये पड़ी थी 6 रुपये की एक पतंग मेरे को, ठीक है दोस्तों। और ये देखो ये कुछ अलग पतंगें थी, ये पड़ी थी भाई 5 रुपये की मेरे को एक पतंग। और देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया है, और इधर से देखो ये कितनी ज़्यादा चमकेगी, धूप में दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये देखो कितनी चमक रही है, ये देखो, और इधर की साइड से भी, ठीक है दोस्तों। और ये लेके आया था, ये पड़ी थी 5 रुपये की एक पतंग मेरे को। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, और ये वाली देखो दोस्तों, ये मंजोली साइज़ है, आगे आगे दिखाओ ये वाली पतंग। ये वाली पतंग मेरे को सही लगी थी और ये वाली पड़ी थी भाई मेरे को 5 की 1। और देखो ये पतंगें बढ़िया है एकदम, और इसमें एक ये वाला डिज़ाइन था और एक था ये वाला डिज़ाइन, एक काली का, काली और सफ़ेद। ये वाली पतंग देखो कितनी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है देखने में, है ना। और ज़्यादातर पन्नी वाली पतंगें लाऊं दोस्तों, मैं डिफरेंट टाइप की पतंगें लाऊं ताकि आपको देखने में बढ़िया लगे वीडियो में भी, इसलिए सारी अलग अलग तरह की पतंगें लाऊं। ज़्यादा डिज़ाइन वाली पन्नी वाली थी इसलिए मैं ज़्यादा डिज़ाइन वाली पन्नी वाली लाऊं इस बारी। और ये वाली दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको, आ जाओ। इसमें सारे मैं अलग अलग कलर लेके आया हूँ आपके लिए, बस कि आपको बढ़िया लगे उड़ते हुए देखने में ये, है ना। और देखो ये वाली पड़ी थी मेरे को 10 रुपये की एक, ये शायद थोड़ी मेरे को ऐसा लग रहा है भाई महंगी मिली है मेरे को, मगर ठीक है। और ये वाला डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें ब्लैक कलर है, गोल्डन कलर है, और ये वाला कलर है, है ना। और एक ये है, और एक ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, देखो ये भी ऐसी चमकेगी इधर की साइड से, इसका पेपर ऐसे है और ये उड़ते हुए बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी। और दोस्तों ये वाली दिखाता हूँ अब मैं लास्ट आपको, ये आदमी वाली पतंग। देखो दोस्तों अलग अलग तरह की पतंगें लाने की कोशिश करी है मैंने दोस्तों, है ना। और ये वाली पतंग दिखाता हूँ मैं आपको, खोल के दिखाता हूँ इसे, अभी तक ये मैंने खोला नहीं है। और ये मेरे को 10 ही पीस पड़े भाई, क्योंकि वो खुली नहीं दे रहे थे ये वाली पतंग, इसलिए 10 ही लेने पड़े मेरे को ये। और मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसी दिखती है ये, मैंने भी नहीं देखी है अभी तक खोल के कैसी निकलेंगी,
दोस्तों देखने में तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। देखो कुछ कुछ ऐसी उड़े तो माने, और ये मेरे को पड़ी थी भाई 100 रुपये की 10 पतंगे, मतलब कि 10 रुपये की एक पतंग, और खुली वो देते नहीं है इसे। और मैं इसे खोल के एक आध देख लेता हूँ कैसी है। देखो दोस्तों इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हुआ पड़ा है। आगे आगे दिखाओ, ये देखो एक तिल्ला यहाँ है, एक तिल्ला यहाँ है, एक तिल्ला यहाँ है, और ये वाला तिल्ला है। काफ़ी काम हुआ पड़ा है इसमें, इसलिए भी महंगी है ये। मगर पतंग देखने में अच्छी लग रही है और उड़ने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। ये देखो कुछ कुछ ऐसी लगेगी ये, जैसे कोई बंदा उड़ रहा है ऐसी लगने वाली है ये उड़ते हुए। और ये 10 हैं, और मैं टेप भी लेके आया था, ये वाली टेप लेके आया था दोस्तों। ये पड़ी थी मेरे को 45 रुपये की, वहीं से ले ली थी मैंने। जब हम मार्केट में घुसते हैं ना, वहाँ पे टेप वेप की दुकान भी बहुत सारी होती है, तो ये टेप भी मैंने वहीं से ले ली थी। 45 रुपये की पड़ी थी, ठीक लग रही है देखने में तो टेप, और लगा वगा के देखेंगे। और दोस्तों कुछ कुछ यही सामान मैं लेके आया था, और आपको मैं आने वाली वीडियो में इन्हें उड़ा उड़ा के भी दिखाने वाला हूँ, और दिखाऊंगा कि कौन कौन सी पतंग सही निकली, कौन कौन सी पतंग बेकार निकली। और कुछ कुछ ये सामान लेके आया हूँ मैं। और दोस्तों आपको सोच रहा हूँ इस वाली पतंग को उड़ा के दिखाऊं, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और इस वाली वीडियो में पता भी चल जाएगा ये पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती। और आप दोस्तों अगर लेनी होगी तो फिर आप ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि उड़ लें या नहीं लें इसे, और उड़ा के देखते हैं इसे, ट्राई करते हैं। और सोच रहा हूँ इसी सर्दी से उड़ा लूँ इसे, है ना दोस्तों, और मज़े आ जाएंगे इसे उड़ा के। और इसके कन्ने वन्ने बांधता हूँ मैं, और कन्ने भी आपको बांध के ही दिखा देता हूँ इस वाली पतंग के कैसे बांधेंगे। और दोस्तों फिर इसे उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आदमी वाली पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती। चलो दोस्तों आ जाओ। तो दोस्तों भाई देखो ये सारी मैंने पतंगे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा दिए, और अभी आपको मैं आदमी वाली पतंग उड़ा के दिखाता हूँ। इधर आओ, ये देखो इसका इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, है ना। और ये देख लो, ये कुछ कुछ ये वाली सद्दी थी, अगर सही लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा बाद में वाली वीडियो में। और ये देख लो सही चलेगी तो ठीक है दोस्तों। और ये वाली सद्दी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लगा, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इससे ही उड़ा के दिखाऊंगा मैं अभी आपको पतंग। और देखो दोस्तों इसको ऐसे तोड़ के दिखाता हूँ, मजबूत है, सही मजबूत है ये, देखो सही मजबूत है ये। और आ जाओ आपको अब मैं पतंग उड़ा के दिखाता हूँ आदमी वाली। और ये सारी पतंगें मैंने यहाँ पर फैला रखी है, ठीक है दोस्तों। चलो आ जाओ आपको उड़ा के दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वाली पतंग के मैं कन्ने बांध रहा हूँ, ये देखो। अबे भाई कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो रही है, है ना, छेद भी नहीं हो रही इसमें। इधर बांध दूंगा एक, तो दोस्तों देखो एक कन्ना इसका यहाँ बांध रहा हूँ मैं। अबे ये तिल्ली टूटे जा रही है, और यहाँ पे ये पता है छेद क्यों नहीं हो रहा है, ये पीछे टेप है यार, इसलिए छेद नहीं हो पा रहा इतनी आसानी से। और अगर हम गर्म करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा वैसे तो छेद, और बढ़िया होएगा, मगर मैंने इससे ही कर लिया अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने देखो तिल्ला लगा रखा ताकि ये मुँह ना गिर जाए नीचे, और यहाँ पे करने वाला हूँ एक छेद में। दोस्तों पहली बार उड़ा रहा हूँ ये वाली पतंग में, है ना, और मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस वाली पतंग को उड़ाने का, और इससे पहले मैंने ये वाली नहीं उड़ाई है। देखो दोस्तों एक करना मैं इसका इधर बांध रहा हूँ, ठीक है। और ये इन्होंने टेप से इसकी आँखें बना रखी हैं देखो, और टेप तो इसमें काफ़ी जगह लगी पड़ी है। और एक यहाँ बांध दिया मैंने इसका तिल्ला, मेरे को इस वाली पतंग को उड़ाने का मन कर रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा उड़ा के ही दिखा देता हूँ इसे कैसी उड़ती है। मैं उड़ते हुए इसे देखना चाहता हूँ, और उड़ती भी है या नहीं उड़ती ये भी देखना चाहता हूँ मैं इस वाली पतंग को। शायद उड़ तो जानी चाहिए, क्योंकि यार इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई पड़ी है एक तरह से देखा जाए तो। देखो इसमें तिल्ले कितने सारे लगे पड़े हैं, एक तिल्ला, दो तिल्ला, तीन तिल्ला, चार तिल्ला, इसलिए 10 रुपये की एक है। मगर हम इसमें 10 पीस लेंगे ना भाई, तो एक बात है इसमें से एक आध दो तीन तो ख़राब निकल सकते हैं, क्योंकि वो भाई जब ही उनकी बिक्री होगी इसीलिए वो पैकेट बेचते हैं पूरा जहाँ तक है, वरना ये पूरी तो सही नहीं निकलने की, 10 की 10 शायद ही निकलेगी। और मैं इसके कन्ने आपको यहाँ पे एक बांध के दिखाता हूँ अभी, और फिर आपको इसे डायरेक्ट उड़ा के दिखाता हूँ। और दोस्तों देखो मैं इस वाली पतंग के कन्ने कुछ कुछ ऐसे बांधने वाला हूँ, थोड़े से अगले छोटे रख रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी छोटे नहीं रख रहा। और भाई इसका तिल्ला देख लो ऐसा हो रहा है भाई, पता नहीं उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। तिल्ला थोड़ा मोड़ लेता हूँ इसका मैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल तिल्ला दे रखा है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा ही मुड़ गया। और अब इसे पार करके देखते हैं, इस वाली सद्दी से उड़ा के दिखाऊंगा आपको, सद्दी की भी टेस्टिंग हो जाएगी और पतंग की भी टेस्टिंग हो जाएगी कैसी है सद्दी भी और पतंग भी। और ये बांधते हैं और इसे उड़ाते हैं। अबे अबे भाई कैसे जा रही है ये वाली पतंग, अरे 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 थोड़े अगले करने इसके छोटे करता हूँ मैं,
मेरे को ऐसा लग रहा है पीछे को खिंच रही है इसके, या तो मैंने कन्ने दूर बांध दिए थोड़े इस वजह से ऐसा हो रहा है। और इसे उड़ाते हैं, और भाई ये ऐसे उड़ रही है कुछ कुछ। हो अबे भाई, अबे वो तो बहुत ही ज्यादा जहर है भाई ये। तू अबे उड़ जा, हवा उधर की साइड की है थोड़ी। इसके कन्ने पास करता हूँ मैं दोस्तों, फिर आपको उड़ा के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों इसके कन्ने मैंने यहाँ कर दिए, मेरे को लग रहा है खिंच रहे इसके कन्ने, इसलिए थोड़े कन्ने इसके पास करता हूँ, यहाँ करता हूँ या यहाँ करता हूँ अभी, फिर आपको मैं उड़ा के दिखाता हूँ। दोस्तों देखो मैंने इसका कन्ने भाई मैंने पहले यहाँ बांधे थे, अब यहाँ कर दिए इसके कन्ने मैंने, और इधर से भी देख लो कभी आप बोलो, यहाँ से देख लो यहाँ कर दिए थोड़े पास में, और अब उड़ा के देखते हैं इसे। हाँ अब बढ़िया है भाई, अब थोड़ी ये पीछे को नहीं खिंच रही, पहले तो ऐसा लग रहा है पीछे को खिंच रही, अब हवा चल गई तो ये उड़ जाएगी। मुझे लग रहा है जिस दिन तूफान आएगा ये भी उसी दिन उड़ेगी। भाई ये ऐसी उड़ रही है देख लो भाई, ठीक है, और उड़ उड़ नहीं रही है मेरे ख्याल से जहां तक है भाई, ये खाली फैशन के लिए है। हवा थोड़ी तेज चलेगी या तो ये जब उड़ेगी, उड़ रही है भाई उड़ रही है, फैशन के लिए नहीं उड़ने के लिए भी है। और मैं थोड़ी पीछे होके उड़ा के दिखाता हूँ आपको इसे। यार सर्दी भारी हो रही है यार ये, देखो भाई यहाँ से पास से देख लो सारी पतंगे ऐसे करके, ऐसे ही कितनी सारी पतंगे लेके आया हूँ मैं, और ये तो मेरी घर पे बनाई हुई है ही, वो वाली बस तिरंगा वाली पतंग है वो, जो वो पुरानी है, और सारी पतंगे ये देख लो भाई यहाँ पे गिरी पड़ी। तो भाई देखो ये हमारी आदमी वाली पतंग उड़ रही है, और ये इतनी उड़ पा रही है अभी तो, ठीक है दोस्तों। और देख लो कुछ कुछ ऐसी उड़ रही है, उड़ते हुए लग रही है, और ऐसे ही लग रहा है कोई आदमी उड़ रहा है। और ये देखो कैसी लग रही है, ये देखो कैसी गिर रही है, और मैं इसे और बढ़ा रहा हूँ अभी। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके दोस्तों बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों अबाउट सेक्शन में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं इस तो इंस्टाग्राम का, और दोस्तों और भी मैंने लिंक दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के लिंक चेक कर लेना, और वहाँ पर आके फॉलो कर लेना।